कल हमने देखा था कि कैसे सभ्यता संस्कृतियों कला के स्तर पर हम देखते हैं कि विश्व में 6-7 तरह की सभ्यताओं का विकास हुआ, और इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता, मेसोपोटामिया सभ्यता, चाइनीज सभ्यता, मेसो अमेरिकन सभ्यता, इजिप्टियन सभ्यता तथा सभ्यताओं के मध्य संघर्ष या विवाद है, जो कि एक पॉलिटिकल साइंस के बहुत बड़े विद्वान हैं। उन्होंने धार्मिक आधार पर सभ्यताओं के मध्य विवाद के अंतर्गत बताया है कि कैसे कैसे सनातनी क्रिश्चियन मुस्लिम चाइनीज इन सभ्यताओं के मध्य हमेशा विवाद होते रहा है युगों युगों तक। इसके बारे में उन्होंने जिक्र किया है। अब हम सबसे पहले देखते हैं कि आखिरकार सभ्यता होती क्या है, अर्थात सभ्यता के अंतर्गत हम देखते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन का निर्माण होता है तथा या सामाजिक या एक समाज के रूप में लोग एक जगह जुटते हैं तथा ये सभी मिलजुल कर काम करते हैं तथा काम का एक आधार तय करते हैं। उस आधार के अंतर्गत वो लोग चाहते हैं कि उनके लिए जो जो बेसिक ज़रूरत की चीज़ें हैं, जैसे खाना, कपड़ा तथा बोल चाल, रहन सहन, ये सभी चीज़ें दिन पर दिन सुधरे और उनका पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो, उसी को सभ्यता के तौर पर देखा जाता है। एक इसी संदर्भ में एक कोटेशन आता है कि वन पोजेसिंग वेल्थ मे बी कंसाइडर्ड एज सिविलाइज्ड, बट ही मे नॉट बी कल्चर्ड। तथा सभ्यता के अंतर्गत यही होता है कि जो संस्कृति है, संस्कृति को और एक बृहत स्वरूप में लाया जाए तथा वो एक सामाजिक स्तर पर संगठनात्मक या ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पर एक दूसरे से जुड़े रहें और एक दूसरे का सहयोग करें और अपने अपने मानव जीवन का विकास करें, इसी को सभ्यता के तौर पर देखा गया है। हमारे समाज में जो कि भारतीय परंपरा के अंतर्गत हड़प्पा सभ्यता का जिक्र आता है, इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि हड़प्पा या सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत यह एक नगरीय सभ्यता थी। हड़प्पा सभ्यता के स्थलों में पूर्वी तथा पश्चिमी में दो टीले मिलते हैं। नगर के पश्चिमी टीले पर दुर्ग तथा पूर्वी टीले पर जन सामान्य की आवासीय बस्तियां होती थी, किंतु यह पूर्णतः सत्य नहीं, क्योंकि बड़े सार्वजनिक भवन, बाजार, छोटे छोटे बड़े आवासीय मकान तथा शिल्प शिलाएं लगभग सभी क्षेत्रों में मिली है। हड़प्पा मोहनजोदड़ो का मात्र दुर्ग अथवा किला क्षेत्र रक्षा प्राचीर से घिरा था। कलीबंगा में नगर तथा दुर्ग दोनों अलग अलग रक्षा प्राचीर से घिरे थे। हड़प्पा की रक्षा प्राचीर कच्ची थी। कोटदीजी तथा आमरी में नगर की किलेबंदी नहीं थी, पक्की तथा कच्ची ईंटों का प्रयोग होता था। लोथल की बस्ती आयताकार थी, सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। ऑक्सफोर्ड प्रणाली हुई नगर को 5-6 भागों में बांटती थी। मिट्टी की बनी इन सड़कों के किनारे दुकान लगाने के उद्देश्य से चबूतरे बने थे। मोहनजोदाड़ो की मुख्य सड़क 33 फीट चौड़ी थी। सड़कों के दोनों किनारों पर पक्की नालियाँ बनाई जाती थी, जिन्हें बड़ी ईंटों अथवा पत्थर की चटाइयों से ढका जाता था। नाली में स्थान स्थान पर गड्ढे बने थे। मकान प्राय 2 मंजिले होते थे। मकान प्राय पक्के होते थे, किंतु कालीबंगा के मकान कच्ची ईंटों से बने थे। एक मकान में प्राय एक आंगन, जिसके 3 या
तीन या चारों ओर कमरे, स्नानघर, रसोई तथा कुआं हुआ करता था। मकान में सड़क की ओर कोई खिड़की नहीं होती थी। मकान की खिड़कियां एवं दरवाजे गलियों में खुलते थे। धौलावीरा तथा बनावली में दीवार से घिरा एक ही टीला है, जो आंतरिक रूप से तीन अथवा चार दीवार से घिरे क्षेत्र में विभाजित है। धौलावीरा में नगर के प्रवेश द्वार पर एक बड़ा उत्कीर्ण लेख मिला है। इस लेख के वर्ण किसी भी हड़प्पाई नगर से अब तक प्राप्त लिखावट के सबसे बड़े नमूने हैं। एक लकड़ी की तख्ती पर खुदाई करके उसमें सफ़ेद चूना भरकर की गई इस लिखावट में 10 संकेताक्षर हैं। मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा, कालीबंगा, सुरकोटा आदि नगरों में बाहरी चहरदीवारी में कई बड़े प्रवेश द्वार होते थे। घर बनाने के लिए प्रयुक्त होने वाली ईंटों का सामान्यतः आकार 7.5×15×30 सेमी होता था। परकोटे की दीवार के निर्माण में प्रयुक्त ईंटों का आकार 10×10×20×40 सेमी होता था। दोनों आकारों की ईंटों की मोटाई, चौड़ाई तथा लंबाई का अनुपात 1:2:4 होता था। हड़प्पा सभ्यता के समृद्धि काल में सड़कों पर अनाधिकृत कब्जा कहीं भी नहीं था। छोटे गांवों तथा कस्बों में मल जल निकासी व्यवस्था बहुत अच्छी थी। इस हड़प्पा कालीन में सामाजिक जीवन सिंधु समाज चार वर्गों में बटा हुआ था। विद्वान, योद्धा, व्यापारी तथा शिल्पकार एवं श्रमिक। लेकिन यहाँ पर देखा जाता है कि दास प्रथा का प्रचलन नहीं था। मनोरंजन का प्रमुख साधन पासा खेलना था तथा अन्य साधन थे शिकार तथा मछली मारना आदि। इनका आर्थिक जीवन कृषि, कुल 9 फसलों के उगाए जाने के साक्ष्य मिले हैं। जौ, गेहूं, चावल, धान, सरसों, राई, तिल, चना, कपास, मटर, ब्रासिका, जूसी सरसों जैसे बिना पहचानी गई फसल। खेतों की जुताई के लिए लकड़ी के फल युक्त हल का प्रयोग होता था। कृषि में पत्थर तथा काष्ठ धातु के बने उपकरण और औजारों का प्रयोग होता था। सिंचाई के साधन जलाशय तथा कुएं थे। नहरों द्वारा सिंचाई का साक्ष्य नहीं मिलता है। इन सभी के अलावा हम देखते हैं कि ये लोग पशुपति तथा मदर गॉडेस की पूजा करते थे। अब हम इसके आगे देखते हैं कि मेसोपोटामिया सभ्यता के अंतर्गत देखते हैं कि यह मेसोपोटामिया सभ्यता से पहले हम देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का विकास है। रिवर इंडस तथा इसके सहायक नदियों के आसपास हुआ है तथा ये इस सभ्यता की शुरुआत चैकोलिथिक के पीरियड के दौरान हुआ। अब हम मेसोपोटामिया सभ्यता के अंतर्गत देखते हैं कि यह टिग्रिस तथा यूफ्रेट्स नदी के किनारे पर बसे शहर ईरान तथा कुवैत में सभ्यता फैली हुई थी तथा इसका जो इस सभ्यता की उत्पत्ति या काल माना गया है वो नियोलिथिक पीरियड तथा इसका 12,000 BCE की डेट बताया जाता है। और इस मेसोपोटामियन सभ्यता के अंतर्गत सुमेरियन, एसरियन, अकादियन तथा बेबिलियोनियन सभ्यता की बात भी होती है तथा इसके अंतर्गत धर्म धर्म लिटरेचर, लीगल कोड, दर्शन तथा विदेशी व्यापार की इसके अंतर्गत व्यवस्था थी।
मेसोपोटामियन एंड इजिप्टियन पोजेस ग्रेट पैलेसेस एंड टेम्पल। अब इसके बाद हम देखते हैं कि चाइनीज सिविलाइजेशन के अंतर्गत हम देखते हैं कि यह येलो रिवर के आसपास इस सभ्यता का विकास हुआ तथा इसको थर्ड या सेकंड मिलेनियम बीसी की कालावधि माना गया है तथा यह यांगिज रिवर पर इस सभ्यता का विकास हुआ तथा 5000 बीसी नियोलिथिक ईरा की बात यहाँ की जाती है तथा ये चाइनीज सभ्यता के लोग प्रकृति के प्रेमी थे। इसी तरह हम देखते हैं कि मेसो अमेरिकन सभ्यता के अंतर्गत देखते हैं कि मैक्सिको तथा सेंट्रल अमेरिका में इस सभ्यता का विकास माना जाता है तथा यह 21000 बीसी के समय में इस सभ्यता का विकास हुआ है। इसी तरह इजिप्टियन सिविलाइजेशन या सभ्यता के अंतर्गत देखते हैं कि यह सभ्यता एंशियंट नॉर्थ ईस्टर्न अफ्रीका तथा नील रिवर के किनारों पर यह सभ्यता का विकास हुआ है और इन सभी सभ्यताओं की एक अलग ही पहचान रही है और ये अपने अपने स्तर पर, जैसे कि हड़प्पा सभ्यता में सिक्का स्कल्पचर या ब्रोंज स्कल्पचर, स्टोन स्कल्पचर या पोट्री, गुड्डे गुड़िया या ऑर्नामेंट, ईस्टर्न टाउन प्लानिंग, इन सभी का विकास दर्शाया जाता है हड़प्पा सभ्यता में। इसी तरह इन शहरों में भी कुछ ना कुछ विकास हुए हैं, लेकिन हम बस केवल सभ्यताओं के विकास की जिक्र करने हेतु इन सभ्यताओं का जिक्र किया है। धन्यवाद।